नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में सोमवार को तीखी बहस के बीच नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल को पेश किया और इस दौरान विपक्षी पार्टियों में जमकर बरसे। विपक्ष के विरोध के कारण बिल सीधे पेश नहीं हो पाया, बल्कि मतदान के जरिए पेश हुआ। लोकसभा में बहुमत होने के कारण भाजपा को इसमें दिक्कत नहीं आई और बड़े अंतर के साथ सरकार ने इस बिल की पहली परीक्षा को पास कर लिया। विपक्ष को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ नहीं है, तो पहली जोर आजमाइश में ही मोदी सरकार पास हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।